हर पुरुष हमेशा से अपने भीतर एक सोच को पाले बैठा रहता है कि उसने यदि कुछ वक्त अपनी पसंदीदा स्त्री के साथ बिता लिया तो वो उसे समझ जाएगा, यदि वो उसके साथ सो लिया तो वो उसे जान जाएगा। वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही होती है, कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ बहुत खराब। बाहर से हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं। एक उम्र होती है जब क्लास की खिड़की से बाहर आसमान दूर कहीं जमीन से मिल रहा होता है और हमें लगता है कि शाम को खेलते खेलते हमें ये दूरी तय कर लेंगे। दूरी तय करते करते जिस दिन हमें पता चलता है कि ये दूरी तय नहीं हो सकती, उसी दिन हम बड़े हो जाते हैं। उसके नारित्व को ठुकराया था, उसके प्यार का अपमान किया, उसकी कला का गला घोट दिया। कभी उसकी आवाज गली कूचों में गूंजा करती थी, खुद को सारी दुनिया पर छाई हुई महसूस करती थी। अब उसके गाने कभी कभी ही रेडियो पर सुनाई देते। शुरू में उसने नारायण का सपना देखा और बाद में नील उसकी जिंदगी में आया। दोनों ही बात वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, किंतु आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक मर्यादा ने दोनों ही बार उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी। उन्होंने उसे तार भेजा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। कुछ दिनों बाद जवाब आता है, होगा होगा होगा। कोई जन्म से नीच नहीं होता तो फिर आप नारियों को निषेध कैसे कर सकते? स्त्रियां भी मनुष्य योनि में पैदा होती, फिर आपका धर्म सनातन धर्म से कैसे अलग, जहां स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की मनाही है? मेरी कविताएं मत फाड़ना, ये दस्तावेज है इतिहास का। इन्हीं से तो जानेंगे आने वाले लोग तेरी सुंदरता और मेरा पागलपन। एक 80 वर्षीय महिला जो पति की मौत के बाद जिंदगी से जुड़ना ही नहीं चाहती और उसका परिवार उसे खोना नहीं चाहता, इस जद्दोजहद के बीच मौत से पहले अपनी अतीत के टुकड़े जोड़ लेने की एक इच्छा उसे बिल्कुल अलग व्यक्तित्व में ढाल देती है। विक्कू हरामी था और इसकी कोई वजह न थी। ये कल के लौंडे जो पहले उन्हें भैया भैया कहते नहीं थकते थे, उनके ईमान धर्म का जॉनी लीवर क्यों हो गया है? हा? वो आखिर कादर खान की तरफ है या गोविंदा की तरफ? लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती, उसमें मीनिंग डालना पड़ता है। पुरुष एक आग की तरह होता है जो जितनी जल्दी जलता है उतनी ही तेजी से बुझ जाता है, वहीं स्त्री की कामुकता पानी की तरह होती है जो धीरे धीरे लहर के समान उठती है और उतना ही समय शांत होने में लेती है। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। यहाँ कोई सच ढूंढने आता है तो कोई अपना सपना भुलाने। अकेले रहने की तसल्ली है कि हमारे पास सिवा अपने के कुछ नहीं। जब हम जवान होते हैं हम समय के खिलाफ भागते हैं, लेकिन जो जो बूढ़े होते हैं समय भी ठहर जाता है और सिर्फ मृत्यु भागती है हमारी तरफ। आधुनिक ख्यालों वाली ये बेटी अपने पापा को सबसे अच्छा दोस्त मानती है, तभी तो बियर पीनी है या वाइन, ये सब यही डिसाइड करती है। पूरी दुनिया में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो दवा के साथ दिन में दो बार प्रेम पत्र लिखने के लिए कहे। सब बीमारियां केवल दवा से कहां ठीक होती है? बंद कमरे में किया जाने वाला काम लोग पैसे खर्च करके? खैर, लोगों के अपने अपने शौक हैं। मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन होती है। कभी टोपाज के प्लेट को अपनी कलाई पर रख कर देखना, ऐसा लगता है जैसे शीरी से मिलने फरहाद आ गया। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।